निकल गया है तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। क्या अदालतों का क्या है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए। पहले ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। इसकी सियासत से दूर रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खतरा है, आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम क्या है? क्या है? नंबर बदल गया तो ये सुप्रीम कोर्ट को आवाजें दे रहा है। अदालत इंतशारी और फितनाबाज से दूर रहे, क्या अदलिया का काम इमरान खान की मदद करना रह गया है? ये पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है, फिर गालियां देता है। मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसे से खिताब, कहा इमरान ने लॉन्ग मार्च नाकाम होता देखकर नवाज शरीफ की मिन्नतें की। जो शख्स अपने मफाद के लिए मजहब को इस्तेमाल करे इससे खतरनाक कोई नहीं। पाकिस्तान को आज इस इंतशार और फितने से खतरा है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से तहफ्फुज़ मांग लिया, कहते हैं अदालत से क्लियरेंस मिलने के बाद लोगों को बुलाऊंगा। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, इदारों की जिम्मेदारी है मुल्क बचाएं। कारकुनान का गुस्सा देखकर वापस जाने का फैसला किया, खून खराबा हो सकता था, गोली चल सकती थी, इदारों और रेंजर्स के खिलाफ नफरत बढ़ सकती थी। पुलिस आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशंस और सीसीपी लाहौर के खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। डिप्टी स्पीकर जिसने आईन और कानून की पामाली की, इमरान न्याजी के कहने पर वो कान में कहता है, खान साहब जरा इस्लामी टच दो, तुमने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया, इसने जितने टच देने थे दे दिए। अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जरूरत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है, तुम्हें जेल में फेंकेंगे। ऑडियो लीक हुई है, उसने साजिश का भांडा ही फोड़ दिया है। उन लोगों को जिनको तुम गालियां निकालते थे, जिनको तुम बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं से तुम अपनी हुकूमत बचाने की भीख मांग रहे थे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इमरान खान की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया, बोले तुमने जितने टच देने थे दे दिए, कहानी में एक और टच रह गया वो हम देंगे, 6 रोज बाद निकले तो जेल भेज देंगे। ऑडियो लीक ने साजिश का भांडा फोड़ दिया, जिनको बुरा भला कहा इन्हीं से हुकूमत बचाने की भीख मांगी, हम तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। जी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस अचानक खत्म कर दी, जुमे को भी सवाल पर नाराज होकर चले गए थे। ये जो आपने बातें की बिल्कुल आपने गलत की है और एक गलत किस्म की तकरीर कर दी है, बैठ के यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक यू। इमरान खान पर इस्लामाबाद में मजीद 2 पर्चे कट गए। असद उमर, श्री मजारी, जरताज गुल, शाह महमूद कुरेशी, अली अमीन गंडापुर, खुरम नवाज का नाम शामिल। रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। मुकदमों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 नामालूम कारकुन भी नामजद। इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदारों पर 16 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात किया गया। सीनियर जजेस के खुद न आने की बात करके साकिब निसार ने मकारी की। जजेस तकरीर के लिए इजलास से मुतालिक अवाम को इल्म होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा का जजेस तकरीर पर चीफ जस्टिस को खत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाद पॉल के सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होने पर भी एतराज लगा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सरकारी मुलाजिम है जिसका वजीर आजम हाउस से तकरर हुआ। जो मुकदमात इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर हुए वो जान बूझ कर मुकरर नहीं किए गए। चालीस हजार से कम आमदन वालों को 2000 महाना वजीफा मिलेगा।
7786 पर शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें, तस्दीक के बाद पैसे मिलेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तरीका बता दिया। यूटिलिटी स्टोर पर आटा 40 रुपए और चीनी 70 रुपए किलो मिलेगी। यकुम जून से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं कुछ नहीं कह सका। सऊदी अरब का डिपॉजिट दिसंबर तक पास रहेगा। IMF से 3 अरब डॉलर आने हैं, मजीद 2 अरब डॉलर की मंजूरी भी मिलेगी। वजीरे खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास। मुल्क की गजाई जरूरियात पूरी करने के लिए 30 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी। 20 लाख टन गंदुम हुकूमती बुनियादों पर दरामद की जाएगी। खुर्दनी तेल और घी की दरामद पर 2% इजाफी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। चीन से 2 लाख टन यूरिया खाद खरीदी जाएगी। सऊदी अरब के पाकिस्तान के लिए तरक्याती मनसूबों को टैक्स छूट देने पर भी गौर। क्या खाएं क्या पकाएं, पेट्रोल ने महंगाई के शोले मजीद भड़का दिए। दर्जा दौम घी 10 रुपए महंगा, नई कीमत 510 रुपए किलो हो गई। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा, कराची में 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपए का हो गया। हैदराबाद थैले की कीमत 1640 और खुसदार में 1600 रुपए हो गई। इस्लामाबाद में 1566 और पिशावर में 1470 रुपए में दस्तियाब। नया चेयरमैन नैब कौन होगा, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सरे फहरिस्त। मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और गैर मुतनाज़िया शख्सियत हैं। फवाद हसन फवाद और बशीर मेमन के नामों पर एतराज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज मजीद नामों पर मुशावरत करेंगे। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। 32 अजला में पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल। वोटिंग का सिलसिला सुबह 8 शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 35.5 लाख से जायद वोटर हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के लिए 5226 पोलिंग स्टेशन। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 5780 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुँच गया। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा। लाहौर में बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पिशावर, चारसद्दा, मर्दान और एबटाबाद में रिमझिम का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।